सबसे पहले आलू को छील ले। अब आलू को हमें छोटे पीसेस में कट कर लेना है। सारे आलू कट हो चुके हैं, पानी डालकर इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसमें कट किए हुए आलू ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को बॉईल कर लें। आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। आलू को निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़ी चम्मच ऑयल ले लेंगे। सबसे पहले हम हरी मिर्च को तल लेंगे। मिर्ची तल चुकी है, मिर्ची को निकाल ले। सेंधा नमक, 1 टेबलस्पून जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करना है, कड़ी पत्ता, 2 कप रोस्टेड मूंगफली को इस तरह से दरदरा पीस लें, सिंगदाने ऐड करें, 2 से 3 मिनट के लिए मूंगफली को अच्छे से भून लें, 3 कप साबुदाने को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से भिगो लिया था, अब ये परफेक्टली भीग चुके हैं। मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है, अब इसमें साबुदाना ऐड करें, सेंधा नमक अच्छे से मिला लें। आलू ऐड करें, अच्छे से मिक्स कर लेना है। हरा धनिया, साबुदाना खिचड़ी रेडी है।